ओए गया भीग गया भाई साहब। ये धुंध नहीं है, बारिश है दोस्त। तो ये गलत लगा यार। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल बस जो है ना वो हमें चुम्मा दे के निकली है। और यहाँ भाई लोगों ने रोड पे ही गाड़ी लगा दी है, पता नहीं क्यों यार। ऐसा ना करो यार, कुछ तो समझो यार। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। भाई हम जो दिखाएंगे ना वो वही चीज़ दिखाएंगे जो ढंकी है। वैसे तो बहुत कुछ चीज़ें हैं देखने की, और मतलब ये टूरिज़्म के हिसाब से ना खुद यहाँ के जो प्रशासन है वो भी बना देता है कुछ चीज़ें कि ये बना दो, ये दिखा दो, ऐसे दिखा देंगे, वो दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन जो देखने की चीज़ें हैं वो यही है भाई कि नैना देवी टेम्पल, क्योंकि नैनीताल जो है वो नैना देवी के नाम पे ही है, और वही नैनी झील जो है बीच में वो भी उनके नाम पे है, तो सब कुछ तो उनके नाम पे है। तो सबसे पहले तो भाई हम नैना देवी टेम्पल ही जाएंगे। भाई ये ऊपर देखो चट्टान, और ये नीचे गुफा, और भाई नीचे ये पता नहीं क्या गेम्स हैं कुछ लटने पटकने के। अच्छा वो है यहाँ पे जिप लाइन है, तो मैंने किया था अभी वहाँ पे भाई ऊपर। और ये बारिश, ये देखो भाई चट्टान, चट्टान नुमा पहाड़, इसे बोलते हैं चट्टान नुमा पहाड़। ये तुम्हें धुंध जैसा दिख रहा है ना, ये धुंध नहीं है, बारिश है दोस्त। ओए होए 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 भाई, ठंडी हवा, मस्त मज़ा आ गया भाई। ठंडी हवा तेरी कसम विनय, तेरा एसी नहीं चल रहा है इतना तेज़ जितना मेरी ठंडी हवा चल रही है। और अब हम जो मैं ऊपर से आपको दिखा रहा था ना, ये देखो उसके बहुत करीब जा रहे हैं हम। जाके नैनीताल ऊपर दिखाता हूँ भाई बारिश तुम लोगों को, बढ़िया सा देखो मौसम। सो भाई फाइनली नैनीताल में आ गए हम। अभी नैनीताल सिटी क्रॉस कर रहे हैं। ये देख लो भाई, ये वन वे वाला है, यहाँ से सिर्फ जा सकते हो आप। आने वाले थोड़ा उधर से घूम के आते हैं। और बस अब थोड़ा सा दूर है, सामने ही यहाँ पे लेक है, नैनी लेक, और नैना देवी का मंदिर है। ये है भाई पूरी मार्केट क्रॉस करके, और फिर अपनी यहाँ के लोकल लोगों को आप कुछ बोल नहीं सकते, और हॉर्न आप मार नहीं सकते ज़्यादा। तो भाई चलते रहो आराम से, पेशेंस होना चाहिए भाई, पेशेंस। ये है हमारी नैनी लेक, और ये है भाई मॉल रोड। यहाँ बीच में से ना एक कट आएगा, वहाँ से यू टर्न ले लियो, आगे चला गया तो पैसे लग जाएंगे। क्या आ रहा है एम्बुलेंस है क्या? एम्बुलेंस को रास्ता जरूर दो भाई, बाकी तो कुछ करो ना करो जिंदगी में। अगर आप किसी भी तरफ से आ रहे हो और आपने यू टर्न लेना है, गलती से आप मॉल रोड पे आ गए हो, तो पूरा मॉल रोड क्रॉस करके मत आना उधर से, क्योंकि उस पर एंट्री लगती है। फिर वहाँ से हल्द्वानी की तरफ से या रुद्रपुर की तरफ से आते हैं ना नैनीताल में, एंट्री करते हैं, तो वहाँ से पैसे लगते हैं भाई, पैसे। अब यहाँ पे बीच में एक यू टर्न आएगा, कट आएगा पूरा बड़ा, वहाँ से गाड़ी घूम जाएगी बड़ी खूबसूरती से। नीचे उतरते ही ये है वो होटल भाई, यहाँ नहीं मिलता कमरा भाई, और ये है वो लेक साइड। लोकल आदमियों से बच्चे बड़ी तेज गाड़ी चलाते हैं, इनके चक्कर में आपका नुकसान हो सकता है। नैना देवी पे जो पार्किंग है वो खाली नहीं थी, फिर उसके बाद एक और ऊपर पार्किंग है वो खाली नहीं थी, उससे ऊपर एक और पार्किंग है तो वहाँ पार्किंग मिली है। और सही है, बारिश तेज हो गई है अभी, थोड़ा सा आराम है। ऊपर देखो, ऊपर और ज़्यादा तेज़ हो रही है, जितना ऊपर आप जाओगे उतनी तेज़ बारिश आपको देखने को मिलेगी भाई। और मौसम हो गया एक नंबर, मस्त। A few moments later. पिछले आधे घंटे से गाड़ी में बैठे हैं भाई, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। क्या करें, पार्किंग भी दूर है कि भाग के चले जाएं। अभी हम निकल पड़े हैं और बैग भी हमने डाल दिया ये वाटरप्रूफ कवर, ताकि जो भी हमारा सामान है उसमें दिक्कत ना आए। और एक घंटा हो गया था बैठे हुए, तो परेशान हो गए थे, अभी निकल पड़े हैं हम यहाँ से। तो आप देखो यार, यहाँ के भाई टेम्परेचर कम हो गया है, तो अब ठंड लगने लगी है। वहाँ तो टी शर्ट में मज़ा आ रहा था, पर अब ठंड लग रही है। तो आप देखते हैं रात को तो और ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा और हमारे पास कोई ऐसे कपड़े भी नहीं है कि आप कुछ ऐसे कपड़े डाल लें। तो आप देखते हैं रूम वगैरह लेते हैं पहले कोई। A few moments later. So भाई प्लान चेंज हो गया है दोबारा दोबारा आप ऊपर आ गए हम अपनी पार्किंग पे, क्योंकि एक ट्राई और करेंगे भाई घूम के रूम के लिए। एक बार ट्राई करके अगर मिल जाता है यहाँ पे तो ठीक है, वरना फिर या तो थोड़ा आगे निकल जाएंगे क्योंकि आगे की तरफ दिखा रहा है होटल वगैरह, तो वहाँ पे फिर ले लेंगे हम रूम और बस निकलते हैं, करते हैं ट्राई। सो भाई अभी हम नैनीताल का बिल्कुल सेंटर में हैं। यहाँ ये एक ग्राउंड है नैनीताल में, अगर कोई नैनीताल आया तो भाई देखो ये पूरा एक बीच में ग्राउंड है और यहाँ ये मेन पार्किंग है। जब भीड़ नहीं होती तो यहाँ पार्किंग मिल जाती है, बट आज हमें इससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाके पार्किंग मिली है। जगह जगह पार्किंग्स हैं, पहले वाली हमें थोड़ा ऊपर मिली थी, वहाँ से वापस घुमा के लाए तो और थोड़ा अच्छे से मिल गई। एक चक्कर और मारते तो यहाँ मिल जाती। ये है गुरुद्वारा और यहाँ पे ये नैना देवी मंदिर, ये छोटी सी मार्केट है। सुबह अब हमने डिसाइड किया है दर्शन करने के लिए कुछ खा लेते हैं, लंच टाइम हो रहा है, बहुत तेज भूख लगी है। 1 घंटा बारिश ने बैठाए रखा, फिर गाड़ी लेके घूमते रहे पार्किंग के चक्कर में। हमने यहाँ जाके ऑर्डर कर दिया पाव भाजी का, और यहाँ जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ कहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ नॉन वेज है। तो यहाँ यार ये बड़ा एक ना मेन्यू कार्ड के अंदर देखा तो ये बड़ा अजीब सा है कि मंदिर के सामने एक ऐसी दुकान जहाँ भाई नॉन वेज चल रहा है, तो ये गलत लगा है यार। अब हम वो बाहर या उसने लिखना चाहिए करने आए थे हम, तो अभी हमने फिर कैंसिल कर दिया। अब हम कल दोबारा मॉर्निंग में आएंगे क्योंकि आप वैसे हमने कुछ खाया नहीं, वैसे हमने ऐसा नॉन वेज, हमने पाव भाजी खाई थी। हाँ लेकिन ये गलत था कहीं ना कहीं भाई। पूरी सेफ्टी कर ली ना इधर। हाँ सो भाई वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं अलग अलग जगह ना लेक पे, तो वहाँ से जैसे आप देखोगे तो वहाँ भी पॉइंट है, फिर वहाँ भी है, फिर वहाँ भी है, फिर वहाँ भी है, फिर वहाँ भी है, और चारों तरफ है। ठीक है ये नैना देवी का है। आपने अगर दर्शन करके नैना देवी से आप यहाँ बोट में बैठ के और फिर आप जा सकते हो आराम से मॉल रोड पे जा सकते हो। मॉल रोड पे घूम के अगर वापस यहीं आना है तो यहाँ आ सकते हो बोट लेके। हमने तो जाना है पैदल पैदल उधर। आप वापस यहाँ आएंगे वहीं छोड़ना? नहीं नहीं वहीं छोड़ना है हमें, हमें वहाँ छोड़ दो आप बस। बाकी सही है, अच्छा है सिस्टम, चारों तरफ आपको पता ही है मज़ेदार। बीच में ले जाकर बढ़िया एक दो वीडियो बना देना, एक दो फोटो खींच देना। भैया क्या नाम है भाई अपना? रमेश। रमेश भाई बस बढ़िया ही फ़ोटो खींच दी हमारी। तो भाई जिसे हम रश बोल रहे हैं ना, भाई कह रहा है कि 15-20 मई से पीक सीज़न चलेगा, अभी कोई रश नहीं है, तब ज़्यादा आएगा। तो तब क्या बारिश होती है इसलिए आते हैं लोग? हाँ नीचे गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ेंगी। यस 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 ये बात, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ती है तब आते हैं लोग, ये बात ठीक है, क्योंकि ऑफिस से तो मिल ही जाती है। सो भाई अब हम ढूंढ रहे हैं होटल, बोर्ड से आ गए यहाँ पे मॉल रोड पे, और 1-2 होटल्स तो देख लिए, उन पे तो रूम है नहीं। अब देखते हैं, एक होटल है यहाँ पे अलका, यहाँ देखते हैं। बहुत है भाई, एक इधर भी ऊपर। सो भाई इस होटल में रूम जो दिखाया है ना, जो बचा हुआ है वो तो लगा नहीं, अच्छा बिल्कुल बंद रूम है, बट ये होटल ठीक है भाई। यहाँ देखो ये यहाँ पे ये भी रूम है, एक कोई स्वीट टाइप बड़ा सा रूम है, और यहाँ पे लेक है सामने, बट हमें रूम पसंद नहीं आया भाई। सो भाई ये जिवाजी कॉटेज करके है, यहाँ आए थे, कॉटेज देखा था, ये है तो ठीक ठाक, सामने व्यू भी अच्छा है, बट कर रहे हैं अभी बात क्या बनेगी फिर बताते हैं आपको सब कुछ। लो भाई नैनीताल की बारिश, होटल हमने यही ले लिया है, अभी बताएंगे आपको टैरिफ वगैरह। भयंकर बारिश, भाग के जाने वाला हूँ भाई, ठीक है। यहीं तक तो जाना है, इस छज्जे के नीचे तक। ओए गया, भीग गया भाई साहब। मत आइयो, मत आइयो, मत आइयो भाई, इतनी दूर में ही भीग गया मैं तो। नीचे सारे बुक्ड है भाई रूम, तो ये हमने एक छोटा सा कॉटेज ले लिया। तो एंट्री करते ही यहाँ पे आपको बैठने का है। सामने गार्डन है, यहाँ भी आप बैठ सकते हो। सामने देखो लेक है, ये देखो। तो भाई व्यू यहाँ का एक नंबर है, पार्किंग है। सबसे अच्छी बात क्या है कि हम अपनी गाड़ी जो है, जिसको लेके हम पिछले 3 दिन से निकले हुए हैं, वो यहाँ पार्किंग लग जाएगी। तो ये आपका सिटिंग एरिया, वेटिंग एरिया, जो भी आपको बोलना बोल लीजिए। और यहाँ से ये एंट्री, ये रूम है भाई। रूम छोटा है बट साफ़ है, मतलब अच्छी चीज़ ये है कि साफ़ है। और ये बाथरूम है। नॉर्मली जो हिल स्टेशंस में रूम या कॉटेजेस मिलते हैं ना, वो काफ़ी पुराने बने होते हैं, और उस हिसाब का ये है। लेकिन अच्छा है, मतलब साफ़ सुथरा रखा हुआ है। तो भाई हमने नैना देवी टेम्पल में हमने जाना था आज ही, तो विनय ने बताया है। तो वो थोड़ी चीज़ हमें ठीक नहीं लगी, तो इसलिए हम नहीं गए। कल सुबह जाएंगे। बारिश रुक गई है, तो विनय वहीं है रूम पर, और मैं गाड़ी ले आता हूँ भाग के, क्योंकि 6 से 8 फिर मॉल रोड जो है वो सिर्फ घूमने वालों के लिए, टूरिस्ट के लिए रहता है। वहाँ गाड़ी अलाउड नहीं होती। और ये जो होटल हमने लिया है, ये मॉल रोड से के बिल्कुल ऊपर है, वहीं से आना पड़ेगा। तो भाग के मैं गाड़ी ले आता हूँ फटाफट। तो भाई 2 ऑप्शन थे। एक तो आप यहाँ बाइक ले सकते हो, टैक्सी बाइक मिलती है 50 रुपये में गाड़ी तक जाने के लिए, क्योंकि गाड़ी है वहाँ कहीं दूर। ये मॉल रोड पर आप रिक्शे पर घूम सकते हो, भाई ले रहा सिर्फ 50 रुपये। और भाई मज़ा है पूरा, 50 रुपये में फुल मज़ा। सो भाई हम चौधरी बन के आ गए नैनीताल। अच्छा, सोचा था कि क्या ही हो जाएगा, और यहाँ हो गई बारिश। और बारिश की वजह से यहाँ इतनी ठंड हो गई है ना भाई, हम दोनों की कुकड़ी बंधी हुई है। खाना खाने के लिए अब बैठना है, और बुरा हाल हो गया भाई। और हाथ भी धोने का मन नहीं कर रहा। और अभी हमने खाना मंगाया, बढ़िया तवा रोटी, दाल वाल, थोड़ा सा पनीर मंगा लिया। 2 दिन से सादा खाना खा रहे थे, बिल्कुल ही चख देंगे अब फटे।